ये पटना का अंबेडकर छात्रावास है। यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं वो दलित तबके के हैं, और अंबेडकर छात्रावास की स्थिति आप देखिए, इसको कल्याण छात्रावास भी कहा जाता है, और कल्याण छात्रावास की स्थिति ऐसी है कि जिसके कल्याण की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऊपर देखिए आप क्या स्थिति है इसके छत की, और पीछे देखिए बाबा साहब अंबेडकर, अभी भी उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। इनके सामने जो संविधान बनाए हमारे देश का, जिसमें दलितों के लिए विशेष प्रावधान दिए खास करके शिक्षा में, उन दलित छात्रों के रहने वाले हॉस्टल की ये स्थिति है कि ये छत कभी भी गिर सकता है और बच्चे कभी भी घायल हो सकते हैं, उनकी जान जा सकती है। ऐसा ही एक कमरा हम अभी देखे पीछे में कि जिसमें एक बच्चा रहता था दलित छात्र, और उसमें रहने वाले बच्चे जब उसमें रह रहे थे उसी दौरान उसका छत गिर गया, और उसकी स्थिति ये है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस कमरे की। हम आते हैं अंदर, अभी देखिए कि यहाँ गौतम बुद्ध की तस्वीर लगी है। स्थिति देख लीजिए रूम की, ये स्थिति है यहाँ की, दिखाइए जरा। हम यहाँ के छात्रों से जानना चाहेंगे कि कैसे ये लोग यहाँ रहते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ के छात्र प्रधान, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। अच्छा, ये कैसे छत कैसे गिर गई? इसी में हम रहते हैं सर, है ना। अच्छा, दो तीन दिन पहले मतलब हम ताला लगा कर स्नान करने गए थे, अच्छा, और वही दरमियान ये गिर गया दिन में। हाँ, दिन में करीब 9 बजे। तो ये ऐसा हो सकता था कि आप जिस समय इस रूम में सोए होंगे उस जी समय भी गिर सकता था? बिल्कुल सर, पूरा डैमेज स्थिति था इसका। तो इसके रिपेयर को लेके बात चल रही सरकार से या फिर आपकी विभाग जो है कल्याण हाँ, विभाग? रिपेयर के लिए पूरे ये नए भवन के बात चल रही है, और फंडिंग भी हो चुका है। अच्छा, लेकिन अभी तक मतलब बन नहीं रहा है, शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ की स्थिति तो अभी तो दयनीय है। हाँ, अभी तो बन नहीं है, भवन निर्माण के द्वारा अभी तो फंड आ गया इसका, लेकिन अभी इसका प्रोसेस चालू है, अभी बन नहीं पाया है। बनने में कल्याण विभाग के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा, इसी तरह हम लोग को बहला देते हैं। इसी तरह करते करते फंडिंग इसका लगभग 16 का है, अभी साल भर हो गया, अभी तक बना नहीं है। हम कई बार जा चुके हैं वहाँ पर कल्याण के पास, DW के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी कोई इसका मतलब रिस्पांस नहीं लेते हैं DW जी। अभी थोड़ा मोड़ा रिस्पांस लिए हैं जाने के बाद, बहुत बार गए हैं, बहुत अप्लीकेशन भी दिए हैं, मंत्री जी के पास भी गए हैं, कल्याण मंत्री जो संतोष निराला जी हैं उनके पास भी गए थे। ये हम लोग मामला रखे थे कि हम लोगों का भवन निर्माण नया होना चाहिए, हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ पर सुविधा भी होनी चाहिए। अच्छा, तो फंड होने के बावजूद 1 साल से इस हॉस्टल का निर्माण नहीं हुआ है। देखते हैं कमरे के अंदर की क्या स्थिति है। ये कमरे के अंदर की तस्वीर है, आप देख रहे हैं अंबेडकर हॉस्टल पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। यहाँ पे जो दलित छात्र रहते हैं उनके कमरे की ये स्थिति है। यहाँ पे जो रहते हैं इस कमरे में, आप ही रहते हैं? क्या स्थिति है, क्या स्थिति? तो बहुत दयनीय है सर, कोई मतलब व्यवस्था भी नहीं, हम लोग कैसे कैसे रह रहे हैं, हमको कोई पता नहीं लग रहा कहाँ जाए नहीं जाए। यहाँ का सरकार जो है कि हम लोग पर ध्यान ही नहीं देते, अगर ध्यान देते तो हम लोग अच्छी तरह रहते। आइए, जो कब घायल मेरा छोटा भाई एक था, जो एक ईंट गिरा था, थोड़ा सा पैर चोट लगा, उस टाइम सिर पर गिरता तो कहीं भी भर्ती हो सकता था। इसके कारण हमारे अम्बेडकर छात्रावास के बच्चे हैं, और भी बिहार की राजधानी पटना में रहने वाले।